सबसे फेवरेट है मेरा गणपति बापा। और यस, ये गणपति बापा का त्योहार बहुत ही नज़दीक में आ रहा है। और सबसे मुश्किल काम होता है गणपति बापा की प्रसादी की प्रिपरेशन करना। तो चलिए, हम आज जो बनाने वाले हैं वो है केसर पिस्ताचियो के फ्लेवर के साथ पनीर कोकोनट मोदक। तो यस, वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज सेफ नेहा ठक्कर फ्रॉम सूरत, फाउंडर ऑफ अ स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। चलिए तो शुरू करते आज की मेरी एक नई रेसिपी जो मैंने आपको बताया है कि केसर पनीर कोकोनट मोदक। सो सबसे पहले यहाँ पे कौन से इंग्रेडिएंट हमको चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे हमने लेना है 100 ग्राम ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, 100 ग्राम ऑफ पिसी हुई शक्कर, 100 ग्राम ग्रेटेड पनीर, 1 टेबलस्पून प्योर घी, 2 टेस्पून ऑफ हनी, बादाम एंड पिस्ताचियो 1/4 कप मिक्स ले सकते हो, 2 टेबलस्पून हमको चाहिए मिल्कमेड एंड पिंच ऑफ इलायची पाउडर, एंड साथ में जाएगा थोड़ा सा केसर कलर एंड चांदी की वर्क फॉर अ डेकोरेशन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट के साथ हम आज अभी बनाने वाले हैं हमारे मज़ेदार मोदक। तो सबसे पहले गैस ऑन करती हूँ। 1 टेबलस्पून प्योर घी लेंगे एंड ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है यहाँ पे आप फ्रेश नारियल का बूरा भी लेना चाहते हो ग्रेट करके तो ले सकते हो। मैंने अभी ड्राई वाला डेसिकेटेड कोकोनट लिया है क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा रहती है। तो ये हम लेते हैं एंड यहाँ पे 100 ग्राम कोकोनट मैं डाल देती हूँ। थोड़ा हल्का सा धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी आपको उसको जलाना नहीं है, वाइट कलर रखने के लिए हम उसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। तो चलिए, कोकोनट यहाँ पे रोस्ट हो चुका है, निकाल देते हैं एक बाउल में एंड अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम पिसा हुआ शक्कर, 100 ग्राम फ्रेश ग्रेटेड पनीर एंड पिंच ऑफ इसमें जाएगा इलायची पाउडर। मिक्स योर कोकोनट, बहुत ज़्यादा गरम गरम आपको नहीं लेना है, नहीं तो वो पानी छोड़ देगा, और ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना है वरना उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ अच्छे से मिक्स कर रहे पर साथ में बाइंडिंग के लिए मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून मिल्कमेड, कंडेंस मिल्क एंड मिल्कमेड दोनों एक ही इंग्रेडिएंट है, दोनों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सो हल्का सा मैंने डाल दिया है इसमें मिल्कमेड और बहुत अच्छे से बाइंड कर रही हूँ, प्रॉपर मिक्स कर रही हूँ। अब ये मिक्सचर मेरा है उसका मैं दो पार्ट करूंगी, एक पार्ट रखूंगी वाइट और एक पार्ट में मैं डाल दूंगी केसरी कलर। सो केसरी कलर जो होता है वो जस्ट पिंच में हम डालेंगे, या येलो, लेमन येलो भी ले सकते हो। मुझे यहाँ पे केसर फ्लेवर करनी है तो मैं केसरी कलर ले रही हूँ। 8-10 ड्रॉप्स हम डालेंगे यहाँ पे केसर का एसेंस एंड अगेन मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब देखिए बहुत अच्छे से केसर की खुशबू आ रही है एंड इसी का कलर भी इसने ले लिया है। देखो ऐसा हमारा एक मिक्सचर रेडी है, दूसरा हमारा वाइट रेडी है। अब हम रेडी कर लेते हैं उसके अंदर का पिस्ताचो का स्टफिंग। अब हम बना रहे हैं उसका स्टफिंग, जो मेन मैं बना रही हूँ यहाँ पे पिस्ताचो का, बिकॉज बाहर केसर है अंदर पिस्ताचो है, कोकोनट एंड पनीर का रिच फ्लेवर है। तो मैं ये ले रही हूँ यहाँ पे 1/4 कप और 1/8 कप ले रही हूँ इसमें कोकोनट एंड 2 टेस्पून इसमें डाल रही हूँ हनी, या आप डाल सकते हो मैपल सिरप, या आप डाल सकते हो लिक्विड ग्लूकोज, या आप डाल सकते हो मिल्क मेड, चॉइस इज योर्स गाइस। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एंड इसमें ऐड करूँगी पिंच ऑफ ग्रीन कलर, जस्ट पिंच ग्रीन कलर। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो भी चलेगा, पाउडर है तो आप दूध या पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हो, पर यहाँ पे मद है तो उसको मिक्स कर देगा। तो अच्छे से उसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा स्टफिंग बनाया है जिसमें मैंने पिस्ताचियो, बादाम एंड
साथ में लिया है थोड़ा सा कैसोनट्स, मध, और मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पे 2 टीस्पून मिल्क मेड भी डाला है और थोड़ा सा ग्रीन कलर। बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत अच्छा कलर है। तो मेरा फाइनली ये 3 कलर के स्टफ रेडी हो गए हैं, जिसमें आउटर लेयर में आएगा ये एक केसरी कलर का, 2 कलर के पार्ट में करूँगी, एक वाइट कलर का, और अंदर की स्टफिंग जाएगी ग्रीन कलर की। तो अभी जो ग्रीन कलर का मेरा स्टफिंग है, इसमें से छोटे छोटे एकदम स्मॉल बॉल्स बना देंगे ग्रेप्स के साइज का। सो हमारे दोनों यहाँ पे आउटर लेयर रेडी है। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले उसको बनाना है ये मोदक मोल्ड में। तो मोदक मोल्ड को चेक कर लो कौन सी साइज का है, वही साइज के आपके बॉल्स बनेंगे। और यहाँ पे मोदक मोल्ड में अंदर अच्छे से आपको घी लगा देना है। मार्केट में प्लास्टिक मोल्ड भी अवेलेबल है, मैं एल्यूमिनियम यूज़ कर रही हूँ, आपको जो यूज़ करना है कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा वापस मैं घी वाला हाथ कर लूँगी, और ये येलो में से एंड वाइट में से दोनों पार्ट में से हम एक एक मीडियम साइज के बॉल्स बनाएंगे। सो लाइक दैट, बिकॉज आपका मोल्ड मैंने जैसे बताया जैसा है, और ये 2 बॉल्स आने वाले हैं, इसलिए हम ये साइज कर रहे हैं। अगर सिंगल कलर का आप करोगे तो इससे डबल साइज का आपको बॉल्स बनाने पड़ेंगे, तो ही अच्छे से डिज़ाइन आती है। अगर आपके मोल्ड में आप स्टफिंग कम भरते हो तो अच्छे से उसकी लाइंस एंड डिज़ाइन नहीं गिरेगी। अभी हमारा दूसरा पार्ट है जो वाइट कलर का है, जिसमें हमने कुछ नहीं डाला है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे इसमें रोज़ फ्लेवर भी कर सकते हो, कभी कभार आप इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कर सकते हो, राइट, जो आपको पसंद है। अलग अलग फ्लेवर के साथ आप अपने पसंद से मोदक बनाइए। तो चलिए, मेरे मोदक की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई है, पर ऐसी हमारी बहुत सारी रेसिपी अगर आपको बेनिफिट करती है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो आगे की प्रोसीजर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक हम ले रहे हैं यहाँ पे येलो कलर का हमारा केसरी लड्डू, एक हम ले रहे हैं वाइट लड्डू, बीच में हम डाल रहे हैं यहाँ पे पिस्ताचियो का फ्लेवर के साथ ऐसे गोली बॉल्स, एंड जस्ट प्रेस स्लोली एंड देन अगेन इसका एक लड्डू कर दीजिए। सो ये आपको मेंटेन करना है कि दोनों साइड के कलर को ऐसे ही करना है, पूरा घुमा के मिक्स नहीं करना है, एंड मेक श्योर कि आपके ये मोल्ड के ऊपर घी लगा होना चाहिए, और आपके हाथ भी थोड़े घी वाले आप कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। एंड हमेशा से ये जो मोदक है उसकी अच्छे से फिलिंग भरोगे तो ही शेप एंड डिज़ाइंस आएगी, कम फिलिंग भरोगे तो नहीं आएगी। अच्छे से बाहर से फिनिशिंग निकाल देना है। एंड धीरे से खोलना है, ठीक है, तो आपका ये मोदक ऐसे रेडी हो जाएगा। ओके, सो ऐसे ही सारे मोदक मैं अभी बना लेती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे केसर पनीर एंड कोकोनट के बहुत बढ़िया से 2 कलर के साथ, इनफैक्ट अंदर तीसरा ग्रीन पिस्ताचियो कलर एंड फ्लेवर के साथ मेरे मोदक रेडी हो गए गणपति बापा के लिए। अब उसकी थोड़ी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी डेजिकेटेड कोकोनट अगेन, एंड हल्का हल्का हाथ से ही दबा देंगे, बहुत ज़ोरों से उसको घुमाना मत क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे एंड अंदर से, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए चांदी की बरक। तो बरक लगाने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे हमारे मोदक को लेना है। मेक श्योर आपका हाथ बिल्कुल भी बरक को नहीं लगना चाहिए। तो चलिए, मेरे तो मोदक तैयार है यहाँ पे, केसरी पनीर कोकोनट के मोदक, और इसको मैं अभी प्लेस कर रही हूँ गणपति बापा जी के सामने। तो ये हमारे है मोदक।
ओके तो हमारे ये मोदक तो रेडी है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि अंदर का फिलिंग कैसा है। हमारा ये जो इंग्रेडिएंट है इसमें से ऑलमोस्ट 5 बड़े मोदक बन जाएंगे। एक छोटा सा बचा था जिसमें वाइट पार्ट नहीं था, तो मैंने ऐसे भी बना दिया। तो वेस्ट में से भी बेस्ट बनाना हमको आना चाहिए, तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। और अभी मैं एक आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से हमारे पिस्ताचों का फिलिंग कैसे निकलता है। तो ये अच्छे से केसरी मोदक के साथ आप अपना महोत्सव बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। प्रसादी में ऐसे बढ़िया से बहुत ही है ना क्विक, इतना क्विक मोदक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना क्विक है। विद इन 10 मिनट्स में आपके ये मोदक रेडी हो जाएंगे। तो आपको ये मोदक बना के अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। ऐसी बहुत सारी रेसिपी लेके हम आते रहेंगे। हमारी रेसिपी अगर आपको यूज़फुल होती है और अगर आपका पैशन आप प्रोफेशन में बदलना चाहते हो तो जुड़े रहिए स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। एंड हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो मिलते हैं ऐसी एक मजेदार रेसिपी के साथ आप और हम। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250+ कंट्रीज में वैलिड है। नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो। एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात्स नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।